टीम के साथ तो हो गया ना, लो सर इस फोटो में स्मार्ट। अनफॉर्चुनेटली बहुत यंग उम्र में उसकी मौत हो गई, वो तकरीबन 30 साल की थी। मैं खुद और विक्रम मौके पे सबसे पहले पहुंचे थे। विभा के दो बच्चे हैं और बड़ा दुख है मुझे कि ये काम हुआ एक सरफिरे आदमी के कारण जो उस समय शराब में धुत था। कहानी की घटनाक्रम कुछ ऐसी है कि तकरीबन 10 बजे के लगभग वो विभा जो है एक सब्जी की दुकान चलाती है, वो अपने पति के साथ चलाती है, और जो ये आदमी है जिसने उसका मर्डर किया इसका नाम दीपक है और ये प्लम्बर का काम करता है, छोटा मोटा बहुत छोटे लेवल का कॉन्ट्रैक्टर भी है, और इसके पास टूल किट्स थी जो ऐसा वीडियो फुटेज में दिख रहा है। तो पहले ये जा रहा होता है, शराब पी रखी होती है इसने, और इसकी शायद वीडियो में ऑडियो नहीं आ रहा था इसलिए इसकी कुछ बहस हो रही होती है। तो वो लेडी इसको पत्थर से झाड़ू से धमकाने की कोशिश करती है, ये चूँकि पूरी तरीके से धोता है, ये वापस अपने 10 कदम पीछे आता है, अपना झोला निकालता है और उससे एक हथियार निकालता है, ब्लेड टाइप का वो हथियार है, और अनफॉर्चुनेटली जब तक वो लेडी कुछ रेजिस्ट करती उसका गला रेत देता है। जो डिसीज्ड औरत है वो डीडीओ हॉस्पिटल ले जाई जाती है और वहाँ पे ब्रॉड डेड डिक्लेयर की जाती है। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि ये करने के बाद ये अपने घर को भागता है, चाय की तरफ उसका घर होता है, ये अपनी किसी रिश्तेदार के साथ रहता है और वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा हो जाती है, लोग तुरंत भागते हैं इसको पकड़ने के लिए, और ये अपने घर पे जाके छुप जाता है, लोग वहाँ इसके घर पे चढ़ जाते हैं और बहुत शोर शराबा हो जाता है, भीड़ इकट्ठा हो जाती है। हमारी PCR तुरंत पहुँचती है, जैसा ही पहले कॉल होता है PCR तुरंत पहुँचती है। हमारे PCR वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि उन्होंने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड किया है। जो इस महिला के साथ हुआ वो बहुत बुरा था, लेकिन जो उस एक्यूज के साथ हो सकता था, जो उस मर्डरर के साथ हो सकता था, वो इक्वली बुरा हो सकता था, क्योंकि एक उग्र भीड़ अगर किसी की हत्या कर दे तो रूल ऑफ लॉ अपहेल्ड नहीं होता। हमारे स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, मैं उनको रिवॉर्ड भी करूँगा, हमारे PCR स्टाफ ने, और मैं कुछ पब्लिक के जो वहाँ पे लोग थे मैंने उनको आइडेंटिफाई किया है, जिन्होंने जो जब सारी पब्लिक उसको मारने को उतारू हो रही थी तो वो दो चार लोगों ने मैंने आइडेंटिफाई किया है, मैं उनको पब्लिकली फेलिसिटेट करूँगा। उन्होंने उस एक्यूज को, क्योंकि वो शराब का धुत था तो जब लोग पीट रहे थे, तो हमारा स्टाफ और लोकल बीच वाला PCR स्टाफ और वो दो चार पब्लिक के लोग उसको बचाकर किसी तरीके से हमारे PCR में डाल देते। उसी समय उग्र भीड़ ने हमारे PCR वैन पे हमला किया और शीशा तोड़ दिया, हमारे स्टाफ को एक चोट भी आई है, लेकिन हम लोग उसको वहाँ से निकाल के ले जाने में सक्षम रहे। जो मर्डरर है उसका अभी इलाज चल रहा है और इस पर जो मर्डर वेपन है और जो एक्यूज्ड है वो दोनों हमारे कब्जे में हैं, हिरासत में हैं। इस पर 2 FIR दर्ज होंगी, एक तो मर्डर का है जो उस महिला के मर्डर के रिलेशन में होगा, और दूसरा जो पब्लिक ने पब्लिक सर्वेंट को अपने लॉफुल ड्यूटी को करने के समय जो अवरोध उत्पन्न किया है और सरकारी संपत्ति का नुकसान किया है उस पर भी हम 1 FIR दर्ज करेंगे, क्योंकि कानून का काम, कानून को अपहोल्ड करना पुलिस का काम है, उग्र भीड़ का काम नहीं है। तो हम इसी तहत अप्रोप्रिएट सेक्शंस में 1 FIR दर्ज कर रहे हैं। उसके रिलेशन में भी हमने 5 लोगों को अरेस्ट कर लिया है जिन्होंने हमारी सरकारी संपत्ति तोड़ी, हमारे पुलिस वालों पर उग्र हुए और जो एक्यूज था उसकी पिटाई कर रहे थे, तो हमने अप्रोप्रिएट सेक्शंस के अंदर केस दर्ज कर। लाइक, शेयर एंड कमेंट। टू सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज प्रेस द बेल आइकन।